नमस्कार मित्रों, आपका एग्री अकादमी में स्वागत है। आज मैं खरबूजा की उन्नत खेती कैसे करें, कितना बीज होना चाहिए, कब बोना चाहिए, किस प्रकार से इसकी खेती करें, कौन कौन सी बीमारियां आने की रोकथाम करें, इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, खरबूजे का वानस्पतिक नाम कुकुमिस मिलो, ये कुकुरमेसी फैमिली का है और इसमें 24 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं। विटाकर और डेनिस 1962 के अनुसार खीरा, खरबूजा और हरकिन का उद्गम स्थान अफ्रीका है। रॉबिन्सन और विटाकर 1974 के अनुसार खीरा और जंगली खीरा कुकुमिस हार्डविकी का उद्गम स्थान एशिया है। चड्ढा और लाल के 1993 के अनुसार भारत, ईरान, चीन और दक्षिण रूस इसके सेकेंडरी या द्वितीय उत्पत्ति केंद्र हैं। भारत में आगमन अफ्रीका, मध्य एशिया से 14वीं शताब्दी में मुगल काल में हुआ है। तत्पश्चात यह अन्य स्थानों में प्रसारित हुआ है। प्राथमिक केंद्र दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत, ईरान, जहाँ तक तो उपयोग का संबंध है। खरबूजा मुख्य रूप से ग्रीष्म काल की एक प्रमुख फसल है। इसको डेजर्ट फूड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वर्षीय शाकीय लता वाली फसल है। इसकी खेती अफ्रीका, मध्य एशिया और भारत में प्रारंभ हुई है। भारत में इसकी खेती आदिकाल से की जाती रही है। इसकी जंगली पौधे पर्याप्त संख्या में दक्षिण अफ्रीका और मध्य एशिया, विशेषकर भारत में पाए जाते हैं। फल का छिलका पतला होता है। फल पकने पर गूदा सफ़ेद, पीला या हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है और फल में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं और ये ठंडी तासीर वाला फल होता है। जहाँ तक तो उपयोग है, इसके फल कच्चे सब्जी बनाने के हेतु तो काम जाते हैं। पके फल के रूप में इसे खाते हैं। सलाद व कस्टर्ड के रूप में इसको उपयोग होता है। इसके औषधीय गुण बहुत हैं। यह कब्ज को दूर करता है, शरीर में तापमान को कम करता है। गर्मी में इसको सेवन करते हैं तो उससे शरीर में ठंडक पैदा करता है, थकावट को दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले या हृदय रोग के रोगियों को यह लाभकारी है। मूत्र रोगों में काफ़ी फायदा करता है। भूख को बढ़ाता है। बीज का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है और गर्मी में प्यास नहीं लगती है अगर इसका सेवन करते हैं। पके बीजों को औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तरबूज खरबूज खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खरबूज में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कार्बोज 5.40 ग्राम प्रति 100 ग्राम, प्रोटीन 0.6 ग्राम, वसा 0.2, कैल्शियम 85 मिलीग्राम, फास्फोरस 20 मिलीग्राम और कैरोटीन या विटामिन ए 169 इंटरनेशनल यूनिट या 450 IU के रूप में पाई जाती है। विटामिन सी 26 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन B1, B2, नियासिन, सोडियम, तांबा, पोटेशियम 381 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर एक फल है। जलवायु के जहाँ तक संबंध है, ये एक शुष्क एवं गर्म जलवायु की फसल है। लू और लंबे गर्म दिन वाले अगर वातावरण हो जाए तो उस समय फलों में मिठास काफ़ी बढ़ जाती है। वर्षा होने पर ये फसल बेकार हो जाती है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही इसमें बीमारियाँ कम लगती हैं। पाले के लिए बहुत सही सुण है, परंतु सूखा के लिए ये प्रतिरोधी है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और बीजों का अंकुरण 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच आराम से हो जाता है। मृदा का तापमान 10 से कम होने पर बीज का अंकुरण नहीं होता है। वातावरण तापमान 15 से 70 डिग्री सेल्सियस से कम पर बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसकी पौधों की वृद्धि के लिए और फलत के लिए अच्छा होता है। औसतन 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उच्च तापमान, कम आर्द्रता और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश इसकी पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और फलों के फलत के लिए बहुत अच्छा होता है। फलों में मिठास बढ़ाता है। 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने पर बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। इसकी खेती सामान्य रूप से बलुई बलुई दोमट में कर सकते हैं। नदियों के किनारे इसकी खेती की जाती है। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 6 से 6.7 के मध्य हो, इसकी खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। क्षारीय और अम्लीय मृदा में के प्रति ये थोड़ा सहिष्णु होता है, उसमें इसकी खेती ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। गोबर की खाद और पोषक तत्व से पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसमें 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालनी चाहिए। नाइट्रोजन 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस
और 80 ग्राम पोटाश प्रति हेक्टर के हिसाब से इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय पर डाल सकते हैं, या जब थाला बनाते हैं तो थालों में उसको कितने पूरे क्षेत्र में आपके थाले बनेंगे उसके हिसाब से पूरे खाद को बांट लिया जाता है और फिर उसके अनुसार उसमें डाला जाता है। बाकी हुई आधी नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग के रूप में बीज बुआई के 35 से 40 दिन के बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। मैदान में सूक्ष्म तत्वों की जहाँ पर बोरॉन जिंक कैल्शियम की कमी हो वहाँ पर इनको देना चाहिए, छिड़काव रूप में दे सकते हैं या भूमि में दे सकते हैं। यूरिया का 1 से 1.5% का घोल बना करके छिड़काव फूल आने से पहले जब कलियाँ आती हैं उस समय अगर कर देते हैं तो फलत काफ़ी अच्छी होती है और फलों का आकार भी बढ़ जाता है, फलत भी ज़्यादा होती है। प्रजातियों में इसकी बहुत सारी प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं, इसमें पूसा सरवती, पूसा मधुरस, पूसा मधुरमा, हरा मधु एक बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है जिसे लोग बहुत उगाते हैं। इसके अलावा काशी मधु, अर्का राजहंस, अर्का जीत, पंजाब सुनहरी, पंजाब शंकर, पंजाब रसीला, दुर्गापुर मधु, सलेक्शन दो, स्वर्णा आदि कुछ प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा नई प्रजातियाँ DMDR1, DMDR2, IVMM3, GMM3, MHY5, Shankar M5, MS10, RM43, NDM1, NDM2, अन्नामाली आदि बहुत सी प्रजातियां हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय प्रजातियां भी देश में प्रचलित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ सफेदा, बागपत, जौनपुरी, मऊ इलाहाबादी, खजेरा, हरिधारी, फैजाबादी, लखनऊ मीठा आदि प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी क्षेत्र में शारदा, टोंक, सफ़ेद गोला, हरा गोला, मोतिया, धौला फीका आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबादी, खारी, शारदा, आंध्र प्रदेश में सर्वते अनार, बथेसा, महाराष्ट्र में नील, जान, गूंज, पंजाब और हरियाणा में अमृतसरी, कुटना, लखनऊ स्वीट आदि कुछ स्थानीय प्रजातियां भी उगाई जाती हैं किसानों के द्वारा और काफ़ी प्रचलित में है। उत्तर भारत में नदी किनारे इसकी बुआई नवंबर दिसंबर के महीने में की जाती है और मैदानी क्षेत्रों में इसे दिसंबर से मार्च में बोया जाता है। मध्य भारत में इसे मध्य फरवरी से बो देना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में इसे अप्रैल मई में बोया जाता है और दक्षिण में इसे जनवरी फरवरी में बो सकते हैं और पहाड़ों पर अप्रैल मई में इसकी दक्षिण पहाड़ों में किया जाता है। बीज की मात्रा 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और एक थाले में कम से कम 2-3 बीज बोने चाहिए। बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा से 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर बीज की बुआई करनी चाहिए, या अगर ट्राइकोडर्मा बायोजेंट नहीं मिलता है तो आप कवकनाशी दवा थायरामे कैप्टन 2 से 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज में मिला करके बुआई कर सकते हैं। और बीज को मिलाने का सही तरीका है कि आप मिट्टी का एक घड़ा ले लें, उसमें बीज को भर दें और उसमें बीज के मात्रा के अनुसार कवकनाशी दवा डाल करके और उसे हिलाएं और हिलाने के बाद पूरी तरह से घुमा करके उसमें दवा आ जाती है बीज के ऊपर, उसके बाद उसकी बुआई कर सकते हैं। अब कतार से कतार की दूरी पौधे के उस पर डिपेंड करता है कौन सी प्रजाति आपने लगती है। 1.5 से 2 मीटर की कतार से कतार दूरी रखी जाती है और थाले से थाले में जो पौधे बोए जाते हैं तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। बीज बोने की कई विधियाँ हैं, इसमें बीज को समतल के मेड़ बना करके नाली बना करके उसमें बोया जा सकता है, थाला बना करके या हिल थाले को उल्टा बनाया मतलब ऊपर उठा हुआ थाला बनाते हैं उसके बाद इसको हिल बोलते हैं और 3-4 बीज एक ही जगह बोए जाते हैं। मेड़ बनाकर मेड़ों में बुआई की जाती है या नाली सिंचाई की नाली जैसे बनाते हैं उस तरह से नालियाँ बना करके उसमें किनारे नाली किनारे किनारे बोया जाता है। कूड़ विधि है, निश्चित गहराई पर कूड़ बनाते हैं और कूड़ों में फिर थाले बना करके उनमें बीजों की बुआई की जाती है। और रोपण विधि है, जैसा कि मैंने आपको तरबूज के विषय में बताया था कि आप विपरीत परिस्थितियों में नवंबर दिसंबर के महीने में पॉलिथीन की थैलियों में बीज बो करके पौधे तैयार कर लेते हैं और इनको फरवरी में इनके पौधों की रोपाई कर देते हैं तो आपका 1 महीने का समय लगभग बच जाता है। जो आप खेत में बीज बोएंगे तो उस समय पौधा बढ़ेगा तो वो वृद्धि आपके नवंबर दिसंबर में बो करके पौधा आप तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसे खेत में बो देते हैं तो इस तरह से आपके महीने की बचत हो जाती है। ग्रीष्मकालीन फसल है, इसमें काफ़ी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
एक सिंचाई प्रवाह के रूप में अवश्य करना चाहिए। यदि आप सीधे खेत में बीज बो रहे हैं तो, यदि रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई करने के तुरंत बाद उसमें एक हल्की सिंचाई करें, और उसके बाद फिर मृदा के अनुसार उसमें आप सिंचाई करते रहें। मटियार बलुई मटियार भूमि है तो 7 से 8 दिन के अंतराल पर, और मटियार दोमट भूमि है तो उसमें 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि पौधे का कोई भी भाग पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा फल फूल पानी के संपर्क में आने से जब लंबे समय तक रहते हैं तो सड़ने लगते हैं, और उससे फिर पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। कर्षण क्रियाओं में आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, जिसके लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। पौधों को सहारा कर देना है तो पौधों की बेल जो होती है उसके नीचे आप लकड़ी या अरहर की सूखी लकड़ी जो होती हैं उनको डाल सकते हैं, या लेंटाना कुरी जो होती है उसको डाल सकते हैं, या बन कपास की जो लकड़ी होती है उनको डाल सकते हैं। यदि ये लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो आप उसमें सीधे मल्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें पॉलीथीन की काली मल्च का प्रयोग कर सकते हैं, या पलवार के रूप में आप कांस, गन्ने की सूखी पत्ती, या ये लाही का भूसा होता है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग, यदि आपने समय से बोया है तो 25-30 दिन के बाद उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करनी चाहिए, और थाले में गुड़ाई करने के बाद उसमें हल्की यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके और सिंचाई करते रहें, और समय से पलवार डालें। पलवार से कई फायदे हो जाते हैं, एक तो नमी संचय रखता है, दूसरे खरपतवारों को नहीं होने देता, तीसरा तापमान को बनाए रखता है जिससे पौधे को वृद्धि में सहायता मिलती है। प्रमुख रोगों में आद्र विगलन, मृदुलोमी आस्था, चूर्णी आस्था, रुक्ष रोग या एंथ्रेक्नोज, फ्यूजियम रिट, फ्रूट रॉट या फल सड़न, मोज़ेक, चार बीमारियां इसमें लगती हैं। तो आद्र विगलन के लिए आप बीज का उपचार किसी भी कवकनाशी दवा से या टाइगोटामा से कर सकते हैं। मृदुलोमी फफूंदी से बचाने के लिए पौधों पर जिनेब या टाइथेनम 45.25% का घोल बना करके 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहें। चूड़ी आशिता या चूड़ी फफूंदी से बचाने के लिए आप फसल पर कैराथेन 0.6% यानी कि 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके आप उसका छिड़काव करते रहें तो 0.06% का घोल तैयार हो जाता है। एंथ्रेक्नोज से बचाने के लिए फसल पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तूतिया का छिड़काव 0.25% का घोल बना के छिड़क सकते हैं। फ्यूजेरियम मिलानी या विल्ट से बचने के लिए बीज का उपचार करें, लंबा फसल चक्र अपनाएं और ट्रेंचिंग करें, जिसमें कि आप कैप्टान और वेवस्टीन 2 ग्राम कैप्टान 1 ग्राम वेवस्टीन मिला करके उसका घोल बनाएं और उसकी ड्रेंचिंग कर दें, या कापर ऑक्सीक्लोराइड दवा 0.25% का घोल बना करके उससे ड्रेंचिंग कर देते हैं तो फ्यूजेरियम से बच सकते हैं। फल सड़न से बचने के लिए आप खेत में पानी न भरने दें, मचानों पर खेती करें, ट्रेंचिंग करें, या ब्लाइटॉक्स या कापर ऑक्सीक्लोराइड दवा जो बाजार में मिलती है उसका छिड़काव 15 दिन के अंतराल से करते रहेंगे तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब मुझे लगती है विषाणु रोग है, ये रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा लगता है, तो उनसे बचाने के लिए आप कीड़ों को मारने के लिए रोगर या मेटासिस्टक 0.1% का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। प्रमुख कीट में कुतरा कीट, जो अब आप पौधे बोते हैं उस समय उगते हुए पौध बीजों को काट देता है, तो इससे बचने के लिए आप थीमेट या फ्यूरोडॉन दवा का प्रयोग कर सकते हैं। रेड पम्पकिन बीटल, इससे बचाव के लिए आप मेलाथियन या सेविन दवा का 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, या प्रारंभिक अवस्था में आधा सेविन दवा और उसमें आधा राख मिला करके और सुबह के समय पर पत्तों पर अगर बुरकाव कर देते हैं तो उससे भी रेड पम्पकिन बीटल से आप फसल को बचा सकते हैं। मेलाथियन दवा का 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। एपिलग्ना बीटल है, तो जैसे रेड पम्पकिन बीटल का नियंत्रण करते हैं उसी तरह से एपिग्ना बीटल का भी आप कर सकते हैं। माहू से मैंने आपको बताया या तो मेटासिस्टक या रोवर का दवा का छिड़काव करिए, या सर्फ का या चूरा साबुन का होता है 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसका घोल बनाइए और उसका छिड़काव कर दिए तो माहू आपका ख़त्म हो जाएगा। और हेयरी कैटरपिलर, इसको आने को रोकना है तो आपका जो फसल लगी है उसकी खेत की चारों तरफ आप बी एस सी
दवा का इस्तेमाल करें, हेप्टाक्लोर धूल डालें या खेत की चारों तरफ 6 इंच गहरी नाली बना दें और उसमें पानी भर दें, तो इससे हेरी के तरफ का आना रुक जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। निमेटोड से बचाने के लिए आपकी नीम की खली, नीमैक्स या लकड़ी का बुरादा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। फलों की तुड़ाई उद्देश्य के अनुसार कर सकते हैं कि आपको निकट बाज़ार में भेजना है या दूर बाज़ार में भेजा रहे, उसी के हिसाब से आप फलों को तुड़ाई करें। फलों में जब पकने लगते हैं तो उसमें खुशबू आने लगती है और उसके अनुसार फिर आप उनको तोड़ करके बाज़ार में भेजिए। बाज़ार भेजने से पहले फलों की ग्रेडिंग कर लीजिए, छोटे आकार के अलग, मध्यम आकार के अलग, बड़े आकार के अलग, फिर अलग अलग उनको टोकरियों में रख करके और फिर उनको आप भेज सकते हैं। पैदावार फलों की प्रजातियों के अनुसार, ग्रीष्म काल में 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संकर प्रजातियों की 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। और इसका भंडार सामान्य ताप पर 3 से 4 दिन कर सकते हैं और शून्य ताप पर 90% आर्द्रता होने पर इसे 15 से 16 दिन के लिए आप आराम से रख सकते हैं। प्रजातियों में अरकार राजहंस का ये फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है, यहाँ पर मौजूद है। ये कुछ विभिन्न प्रकार जिसमें हरा मधु के फल अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर ये आप सब धारियों वाली दिखाई दे रही हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव अथवा कोई प्रश्न हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।